अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक है। आज की वीडियो मेरी कुछ खास नहीं है, बस मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि मेरी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी छोटी बहन बिशरा, उसका सीजर वगैरह हुआ, उसकी बेटी हुई है वो, मतलब बिशरा तो घर आ गई है लेकिन उसकी बेटी अभी घर नहीं आई, तो उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी अभी तक। अब 21-22 दिन से तो वो बच्ची वेंटिलेटर पे चल रही थी और उसके अलावा जो है ना वो उसकी तबीयत थोड़ी सेट हुई थी, उसको वेंटिलेटर से हटा दिया था लेकिन फिर उसकी सांस का दोबारा मसला हो गया। कभी वो सांस तेज ले रही थी, कभी वो बहुत हल्के ले रही थी सांस, तो कभी उसको मतलब वेंट पर रख रहे थे, कभी हटा रहे थे, फिर उसके कल ब्लड वगैरह की भी कमी हो गई, वाइट सेल भी कम हो रहे थे। ठीक है, दुआएँ तो बहुत थी उसके लिए और बिशरा के हस्बैंड ने, बेचारे ने बहुत 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 कोशिश की, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन जो है ना वो बस अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया और वो बेचारी बच्ची इतनी छोटी सी मासूम सी वो बच्ची, तो वो कल रात में उसकी डेथ हो गई। तो वो बस हम लोग को रात में ही खबर मिली तो हम लोग फिर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल गए घर, जब उसकी खबर मिली हम लोग को रात को तो फिर हम सुबह ही वहाँ गए उसको। और इत्तेफाक ऐसा है कि बिशरा उससे रात को ही 2 बजे मिल के आई है, तो जब वो उससे मिलने के लिए गई है तो जब तक तो वो नॉर्मल थी, मतलब बिशरा जब वो हॉस्पिटल वहाँ से उससे मिल के बाहर वापस आई है तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, रोने लगी उसको देख के, उसकी कंडीशन देख के, तो मतलब बच्ची की हालत देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर उसको घर भेज दिया कि तुम घर चली जाओ और मतलब यहाँ सही से बैठने की जगह नहीं है, ना तुम ले सकते हो ना बैठ सकते हो, सही से रेस्ट नहीं कर सकते, घर चली जाओ, सुबह दोबारा आ जाना। बस वो लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद जो है ना लेडीज सारी घर में गई हैं, उनके भाई ने अपनी गाड़ी में से बैटरी वगैरह निकाल रहे थे, निकाली दी थी, हॉस्पिटल से दोबारा फ़ोन चला गया कि आप बस अब आप आ जाए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर वो हॉस्पिटल चले गए। तो बस ये खबर आ गई कि उसकी बच्ची की डेथ हो गई है, तो बस अब आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उस बच्ची के माँ बाप को सब्र दे, उसके घर वालों को सब्र दे, उसके दादा दादी, सबसे बड़ी बात है माँ बाप, दादा दादी तो फिर चले बाहर होंगे वो, मतलब अपने उसमें लगे होंगे फुप्पो सब, लेकिन माँ बाप को जितनी ज़्यादा उसकी कमी महसूस होगी उसमें तो किसी को भी नहीं होगी, ना हमें होगी ना किसी और को होगी, लेकिन ये कि बस आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। और बस आज का ब्लॉग मेरा यही था, तो मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा।